हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, आज जो मैंने रिपेयर किया है, और दोस्तों किसी घर पैप जो ब्लॉक हो गई थी, जो कि दीवार के अंदर पैप पाइप डालते हैं हम, उनके दोस्तों थोड़ी सी पुरानी फिटिंग है जो कि पीपीआर हुई है। पीपीआर जो कि गर्म होकर जोड़ लगता है उसका, दोस्तों उसकी ब्लॉकेज हो गई है। हम उसे कैसे सेट करेंगे, आप वीडियो को देखें। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी वीडियो लेने के लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों ये देखिए राइट तरफ वाली कोल्ड वाटर की टूटी है। इसमें दोस्तों पानी बंद हो जाता है, देखेंगे अभी चलते चलते देखना बंद हो जाएगा। इसके दोस्तों पाइप ब्लॉक है। अब दोस्तों हम इसे कैसे खोलेंगे, ये देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी धीरे धीरे बंद हो जाता है। मैं आपको बेसिंग में दिखा देता हूँ, बेसिंग में लगी हुई है पाइप, ये सेम पाइप है दोस्तों। इसके बेसिंग में दिखाता हूँ आपको, पानी नहीं चलता, ये देखिए बिल्कुल कम पानी आता है। दोस्तों इसकी ब्लॉकेज कैसे ठीक करेंगे आप देखिए। पहले दोस्तों हमने टूटी जो हमने लगाई है इसको खोल दें, इसकी सी पी निकल लगी रह गई, दोस्तों इसे भी खोल दें। और दोस्तों इसमें चार इंच छः इंच लंबी, चार या छः इंच लंबी जो आधा इंच जो 15 mm की निप्पल होती है वो लगाएं। और दोस्तों कोई आपके पास कनेक्शन पाइप हो जो कि एक तरफ से टूटा है हमारा, एक तरफ से हमने तोड़ रखा है, मतलब काट के रखा हुआ है, और कनेक्शन पाइप दोस्तों एक तरफ से हमने लगा दिया है, देखना इस तरीके से कनेक्शन पाइप लगा दें। दोस्तों रबड़ रिंग भी लगा दें जिससे हवा यहाँ पर लीकेज ना हो, ठीक है दोस्तों। और इसे दोस्तों हमारे पास दोस्तों पंप है जो कि गाड़ी में हवा भरने वाला पंप होता है, वो है हमने स्पेशल दोस्तों यही काम के लिए वो पंप रखा हुआ है। आप कनेक्शन पाइप को टाइट कर लें। और दोस्तों जो पंप है उसका दोस्तों आगे वाला जो हिस्सा जिससे टायर में लगता था वो हमने तोड़ रखा है, और जो पंप का आगे वाला पाइप है उसमें दोस्तों गैस पाइप लगा कर, जो दोस्तों गैस पाइप होती है एसी वाली, उसकी दोस्तों छोटी सी निप्पल लें। और हमने दोस्तों छोटी सी निप्पल ली है, और जो हमारा पाइप है पीवीसी कनेक्शन पाइप उसमें दोस्तों जो निप्पल ली है जो हमने गैस पाइप की, उसके ऊपर दो धागा लगा करके अपने पीवीसी कनेक्शन में डाल दिए। और पीवीसी कनेक्शन में लगा करके दोस्तों दोनों तरफ से दोस्तों टाइट करके हमने हवा भेजनी शुरू कर दी है। ये देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो रहा है। ऐसे दोस्तों तीन चार बार करें, वो देखो दोस्तों कितना कचरा आया है, हमने बाल्टी में पानी भर रखा है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने निप्पल पे धागा लगाया है, जो हमारी गैस पाइप होती है एसी की गैस पाइप होती है दोस्तों ये, इसको ये देखिए इस तरीके से टाइट करके फिर से और पंप शुरू कर दें। ये देखिए दोस्तों पंप मारते जाइए, जिससे दोस्तों आप बीच बीच में उतार करके देखें कि पानी का प्रेशर बढ़ा या नहीं बढ़ा। हमने दोस्तों एक बार ट्राई करके देखा, अभी तक तो नहीं बढ़ा है। दोस्तों ये जो पंप है ये गाड़ी में हवा भरने वाला पंप है दोस्तों। जो गाड़ी के टायर में जो इसकी नोजल लगती है वो हमने दोस्तों उतार रखी है, इसमें से काट के अलग कर दी थी, क्योंकि ये हमने स्पेशल पंप जो रखा है ये ब्लॉकेज खोलने के लिए रखा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने फिर से जो पाइप उतार के देखी, पानी नहीं आ रहा है। दोस्तों आप कोशिश करते रहें दो तीन बार। ये दोस्तों इतनी देर तक पंप इसलिए मारना पड़ रहा है क्योंकि जो भी कचरा होगा दोस्तों जब आप पंप चलाएंगे दोस्तों कोई भी आपकी नीचे वाली टूटी कोई भी खुली ना हो, ये दोस्तों इसलिए टाइम लगता है क्योंकि कचरा जो होता है वापस वाटर टैंक के अंदर जाना होता है, हवा ने धकेल कर कचरे को ऊपर ले जाना होता है। दोस्तों काफ़ी देर बाद यूज़ करने के बाद हमारा जो पाइप खुल गया था, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा शॉर्टली तरीके से, आप देखिए
क्योंकि दोस्तों कचरा जो होता है हमारा जो भी पाइप के अंदर आता है ये दोस्तों ऊपर जाने में बहुत टाइम लगा देता है। कभी दोस्तों अगर तो दोस्तों कोई कचरा दूसरा होगा, कोई मिट्टी मुट्टी वगैरह ईंट का कोई ईंट वूंट कर रोड़ी राड़ी होगी, वो कचरा दोस्तों आराम से निकल जाता है आगे से। दोस्तों अगर कोई जाला वगैरह हो दोस्तों वो बैक ही जाता है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी टाइम बाद हमने चला करके पंप चला चला करके पानी आना शुरू हो गया है। दोस्तों कचरा इसका मिट्टी में था, कुछ मिट्टी थी और कुछ दोस्तों जो जाला था। ये लीजिए दोस्तों हमने ब्लॉक पाइप है जो खोल दिया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। अगर दोस्तों किसी का पाइप ब्लॉक हो तो आप इसी तरीके से अच्छे से खोल सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर खुल जाता है।